अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुरातत्व संग्रहालय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व होली पर्व की बधाई दी। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं हमारे समाज की धुरी हैं। महिलाओं की ममता और मातृत्व जैसे गुणों के कारण ही घर परिवार समाज और राष्ट्र खुशहाल संस्कारवान और प्रगतिशील बनता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने समाज के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दिया है, चाहे शिक्षा, खेल, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के गतिशील नेतृत्व में महिलाओं के चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, उन्हें स्वावलंबी बनाना है और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है। इस दिशा में हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी, हरियाणा कन्या कोष, महिला पुलिस थाने, महिलाओं के कौशल विकास समेत महिला शिक्षा के लिए भी अनूठी योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा कि नारी का उत्थान स्वयं नारी ही करेगी, बस उन्हें उठने के लिए सहयोग की आवश्यकता है। जब वह खड़ी हो जाएंगी तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। हरियाणा की भाजपा व जसपा गठबंधन सरकार माताओं व बेटियों को सुरक्षित माहौल पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस मौके पर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी तथा आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का समाज में अहम योगदान है, महिलाओं ने अपने हर क्षेत्र में धाक जमाई है। आज महिलाएं अधिकतर क्षेत्रों में पुरुषों से आगे है, हर मुश्किल काम को महिलाएं कर रही हैं। इस उपलब्धि को सुनकर सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, परंतु जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं तो सिर नीचे हो जाता है। तो समाज को चाहिए कि वह महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करे। देखिए समाचार एक्सप्रेस की यह एक खास रिपोर्ट। और मैं यहाँ आज जो प्रशासन की तरफ से जो प्रोग्राम था महिला दिवस पर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, पूरे प्रशासन को बधाई देता हूँ और हमारी बहन बेटियों को, माताओं को यही मैं कहना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा के लिए पूरा अपने जागरूक रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, और सरकार भी जो महिला सुरक्षा के प्रति और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनको भी निपटाने के लिए जल्द से स्कीम बनाई हुई है। तो आज मैं महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के सेशन के दौरान ही आदेश दे दिए थे कि इनकी स्पेशल गिरदावरी करा के और किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। हमारे जो अजय चौटाला जी प्रेरणा स्रोत हैं और हमारे जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो हैं, संरक्षक हैं, तो उनका जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस पर हम पूरे प्रदेश में एक हमारी पार्टी की तरफ से उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए हमें सभी जगह जा करके निमंत्रण दिया है। बहुत ही अच्छी हमारी जो जन्मदिवस पर जो रैली होगी बहुत अच्छी रैली होगी। मैंने शायद आपके ध्यान नहीं, मैंने पहले बोला है, महिलाओं को यही संदेश है, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपनी सुरक्षा के प्रति अगर कोई भी उन्होंने दिक्कत आए तो आज ऐप जो जारी कर दिया है उसको ऐप डाउनलोड करें और उसको अपने पूरा यूज करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, मैं उनके शाब्दिक स्वागत के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं हरियाणा सरकार की माननीय मुख्य सचिव श्रीमती अरोड़ा जी को कि वे नाना जी, हमारे मुख्य सचिव श्रीमती कृष्णा अरोड़ा जी पोषण पखवाड़े का शुभारंभ किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, जो कि 22 मार्च तक किशोरों और महिलाओं को देता हूं। पोषण पखवाड़े के दौरान मैं हर घर तक सही प्रथाएं, मैं पोषण अभियान को बनाऊंगा। से मेरे प्रदेश के और पूरी क्षमता प्राप्त करेंगे। नाना जी,
हमारे मुख्य सचिव श्रीमती कृष्णा अरोड़ा जी, आज 8 मार्च का दिन है, महिलाओं के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। ये जो महिला है सर, आज मुझे सम्मानित इसलिए किया गया कि भाई महिला ऐप डाउनलोड कराया है और महिलाओं के इसमें काफ़ी कार्य किया है। और महिलाओं को क्या संदेश है? महिलाओं के लिए यही संदेश है कि महिला किसी पुरुष से कम नहीं है, आज के समय में वो भी पुरुषों से ज़्यादा अच्छा कार्य कर रही है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आगे भी अच्छा कार्य करें। हाँ, सिंपल सा ही पूछ रही हूँ। आप बता दो किस लिए सम्मानित किया गया? सर, मैं ये सिटी बस में ड्राइवर हूँ नगर निगम करनाल में, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे सम्मानित किया। और लोगों को भी सम्मानित किया? हाँ जी, बहुत है लेडीज। क्या कहना चाहेंगी दूसरी महिलाओं को, क्या संदेश? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो भी आगे बढ़े, बाहर निकले घरों से अपने, और अपने भी बहू बेटियों को भी आगे बढ़ाए और उनको भी करने का कुछ मौका दे। स्टार्टिंग में तो बहुत आई थी सर, स्टार्टिंग में तो गांव के लोगों ने ये भी बोला कि ये कोई ड्राइविंग का काम है, ये लेडीज का थोड़ी ना होता है, तो जेंट्स का काम है। लेडीज का तो घर पे बच्चों को अपने देख रेख के लिए यही होता है। आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं आज के समय? नहीं सर, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं, अभी भी नहीं है और पहले भी नहीं थी। सरकार को कदम उठाने चाहिए? सरकार को कदम उठाने चाहिए, और सबसे पहले तो ये इतनी वो सरकार ने भी दे रखी है सुरक्षा, ये पूरा वो कर रखा है, तब भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपका नाम? क्या है, कितनी खुशी हो रही है? सर, मैं तहे दिल से पहले तो मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, इस अवार्ड के लायक समझा। तो माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये अवार्ड, मुझे इस लायक समझा गया। बाकी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं बाकी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो आगे बढ़े, ये ना सोचे कि ये काम हमें नहीं करना है या हम नहीं कर सकते, ना आगे बढ़े, कोशिश करते रहें, कभी तो मतलब मंजिल हमें मिलेगी अगर हम कोशिश करेंगे तो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरिता है सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.